नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सत्र को सुचारू ढंग से चलाने पर चर्चा की गई। स्पीकर ने कहा कि अगर कोई परेशानी नहीं होगी तो नए भवन में बजट सत्र चलेगा। वहीं जेवीएम के दोनों गुटों के विलय पर उन्होंने कहा कि सूचना मिली है और कानून के हिसाब से कोई फैसला लिया जाएगा। बता दें कि 28 फरवरी से 28 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। के पहले राज्य के आला अधिकारियों से बैठक होता है, जिसको हाई पावर कमेटी का बैठक कहा जाता है। उसी बैठक का हम लोगों ने आहूत किया और जो हम लोग बजट सेशन अगले 28 तारीख से हमारे राज्य में आहूत है, उस बैठक को कैसे संचालित करेंगे इस विषय पर चर्चा हुआ, जिसमें कई बिंदु था, जिस बिंदु पर हम लोग हर विभाग के सेक्रेटरी से बात किया और हाउस चलने के क्रम में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन तमाम विषयों का जानकारी उन तमाम पदाधिकारियों को दे दिए, ताकि ये बजट सत्र चलने में किसी भी विभाग के तरफ से कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा किए। चूँकि ये नया भवन राज्य में बना है, विधानसभा का एक नया भवन राज्य के अंदर में बना है और हम लोग इस पर अपना बजट सेशन करने के लिए इच्छुक भी हैं, तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। उसके बाद जो जो कमी महसूस होगा माननीय सदस्यों के द्वारा, माननीय नेताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, उसको हम लोग धीरे धीरे उसका समाधान करते जाएंगे। इसी भवन में होना तय हो चुका है? हाँ, करीब करीब इसी भवन में होना तय हो चुका है। उन लोगों को जिसका सूचना सभा सचिवालय को या हमको देना है, वो तो सूचना वो लोग देते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग उस सूचना के आधार पर बिना सोचे बिना कानूनी सलाह लिए कुछ करने नहीं जा रहे हैं। जो नियम बोलेगा, जो कानून बोलेगा, हम लोग वही करेंगे। उस थोड़े अगर समय सापेक्ष हो, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो, तो हम लोगों को इसमें उतना जल्दबाजी और उतना हड़बड़ी नहीं है।